अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, अगर आपके 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है तो आपकी जो बॉडी है आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स देगी, आपको कैसा फील होगा, आपको पेट में कैसी फीलिंग आ सकती है उस वक्त। तो हाउ डज़ यूअर स्टमक फील एट 2 वीक प्रेगनेंस। तो अगर आप 2 वीक प्रेग्नेंट है तो आपके लिए कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी दे रही होती है, आपको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है अगर आप तो कैसे आप पता कर सकते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। आपने अगर कंसीव किया है, इस वक्त आप प्रेग्नेंट है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आपका जो भी साइन एंड सिम्टम्स है, आपने जो आपकी प्रेगनेंसी का जो भी अच्छा पार्ट रहा होगा इस वक्त, तो वो ज़रूर शेयर करना ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है कि दूसरों की हेल्प हो और आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके प्रॉपर आंसर आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर इज यू मे फील ब्रीफ लोअर एब्डोमेन पेन, यानी आपको जो निचला जो हिस्सा है आपका पेट का, जो पैंटी लाइन एरिया है, वो एब्डोमेन एरिया, जो एब्डोमेन पार्ट है आपका, वहाँ पर आपको हल्का नीचे थोड़ा पेन रह सकता है आपको। दिस इज़ ए नोन एज ए माइल्स सिजर्म्स ए स्लाइट वन साइडेड एक और ट्विंग इन द पेल्विस। आपको एक साइड में पेन हो सकता है या फिर 2 साइड में भी हो सकता है पेन पेल्विस, कॉज्ड बाई द रिलीज ऑफ द एग ड्यूरिंग ओवल्यूशन। आपका ओवल्यूशन होने के बाद आपको ये होने के चांसेस से कॉजेस यानी वजह, ये वजह हो सकती हैं आपके पेल्विस के साइड में या फिर आपको एब्डोमेन में पेन हो सकता है, 1 साइड भी हो सकता है, 2 साइड भी हो सकता है। एट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंट यूअर बेली वॉन्ट शो एनी साइंस ऑफ ए बम्प, येट ऑल थ्रो यू मे फील ए लाइट मोर गैस और ब्लोटिंग देन यूजुअली। या फिर आपको ज़्यादा गैस बन सकती है, या फिर आपके पेट में गुड़गुड़ाहट, या फिर कुछ अजीब से साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी जो दे रही होती है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पीरियड मिस होकर 1 वीक भी एक्स्ट्रा चला गया तो कहीं ना कहीं ये एक सिम्टम्स होता है। फर्स्ट सिम्टम्स तो यही है कि आपके पीरियड का मिस हो जाना, फिर उसमें आपकी बॉडी कुछ ना कुछ शो करती है, या फिर आपको फीवर फील हो सकता है, या फिर आपको पेट में दर्द हो सकता है, या फिर आपको वॉमिट जैसा फील होना, नौजिया फील होना, थकान फील होना, पूरा एकदम लो फील होना, नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 2-4 सिम्टम्स ही दिए तो वही होगा, कुछ भी सिम्टम्स हो सकता है। एवोल्यूशन होने के बाद, एग रिलीज होने के बाद, प्रेगनेंसी कंसीव होने तक आपको एब्डोमेन में पेन हो सकता है, पेट टाइट हो सकता है, नीचे का हिस्सा एकदम फुल टाइट होना, गैस बनने की शिकायत फील होना, ब्लोटिंग यानी पेट में गुड़गुड़ाहट वैसा फील होना, कुछ भी कमर में दर्द होना, सर दर्द होना, सर्दी होना, खांसी होना, बुखार फील होना, डेली नाइट में फीवर तो रहता ही है। और उसके बाद जो एक लास्ट सिम्टम्स जो मुझे फील होता था ज़्यादा, चक्कर आना, मुझे 1 मंथ या 4-5 डेज होने के बाद से ही ज़्यादा चक्कर आना, वॉमिट जैसा फील होना, पेट टाइट होना, पेट में एकदम खिंचाव महसूस होना, ये मेरे साइन एंड सिम्टम्स हैं मेरी हर प्रेगनेंसी में, यानी 4 प्रेगनेंसी में कॉमन सिम्टम्स जो मेरा रहा है, पेट टाइट होना, पेट में दर्द रहना और चक्कर ज़्यादा आना, खाने में कुछ भी इंटरेस्ट ना फील होना, सिर्फ सोने को दिल चाहना, ये मेरे साइन एंड सिम्टम्स। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब।